ये लंबी लंबी रातें जाने क्यों दिल ये मेरा ना चाहे उस ये गोरे गोरे गाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हिंदी ओल्ड सॉन्ग में लिरिक्स स्टेटस रीडिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ न्यू इपेट के साथ। तो फ्रेंड्स, प्रीव्यू में जिस स्टेटस को दिखाइए, स्टेटस को बांटने के लिए वीडियो का एकदम पूरा देखिए बिना स्किप किए। और दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों, वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो फोटो यूज होने वाला है वो फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो, ये जो सॉन्ग बीट मेरा प्रोजेक्ट और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इनपुट कर लेना। और अगर इनपुट करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मटेरियल को कैसे डाउनलोड करना है, उस लिंक पर जैसे टच करोगे एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा ये दोनों प्रोजेक्ट को कैसे इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो सॉन्ग बीट मेरा प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मेरा प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये जो सॉन्ग बीट मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाएगा, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो बीट है, ये बीट में आप लोगों को सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। और देखो, ये जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप लेयर को हटाना नहीं, और ये जो रेक्टेंगल ऑन है इसको भी हटाना नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जिस फोटो पे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सबसे पहले ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, देखो, ये जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप लेयर पर टच करना होगा। एडिट ग्रुप पर चले जाना, और ये ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में चले जाना। और दोस्तों, जिस फोटो पे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। देखो, तो मैं ये फोटो पर वीडियो बनाऊंगा, तो देखो मैं ये फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद अब क्या करना होगा, एक बार एयर ऑप्शन पर टच करना होगा और एक बार टच कर देना। तो ये जो देखो लास्ट है, ये लास्ट में आ जाओगा और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये जो लेयर है, देखो ये सभी लेयर के बराबर हो जाएगा ये फोटो लेयर। तो ये फोटो लेयर को ऐड करने के बाद अब क्या करना होगा, ये फोटो लेयर को फिर से टच करना होगा। ऊपर में देखो, यहाँ पर जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा, फिर से प्लस ऑप्शन पर टच करना होगा और ये वाला शेप को ऐड कर लेना। और शेप ऐड करने के बाद देखो, ये जो ऊपर में थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से फिल कॉम्पोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो शेप है, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब क्या करना होगा, देखो ये जो कलर एंड फिल ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। और ये ऑप्शन पर जैसे टच करोगे कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर जो ऊपर में डॉट है, ये डॉट को यहाँ पर रखना होगा। और देखो, यहाँ पर जो नीचे एक डॉट है, ये डॉट को इस साइड यहाँ पर रखना होगा, देखो कुछ इस तरह। तो इस तरह करने के बाद देखो, ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। और देखो, ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करके ये जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना। तो देखो, नीचे कुछ इस तरह शेडो ऐड हो जाएगा। तो फिर अब क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना, एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना देखो यहाँ पर। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो, ये जो लेयर है, ये लेयर के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना होगा, देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को ऐसे साइड में लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, दबा के, और एकदम नीचे यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद फिर से ऊपर में देखो, ये जो शेडो जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा, ऐसे दबा के रखना है और एकदम नीचे ले आना। और ये जो फोटो है, ये फोटो लेयर के ऊपर इसको रखना होगा, देखो कुछ इस तरह। तो देखो, हमारा जो बॉर्डर है वो दिखा रहा है, बॉर्डर कैसा है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना। तो बैक हो जाने के बाद देखो, कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना होगा,
तो फ्रेंड्स अभी देखो ये जो फोटो है, ये फोटो लेयर में इफेक्ट देंगे तो फोटो लेयर में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना। और देखो ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना। थ्री डॉट पर जाके जो कॉपी इफेक्ट है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसका तो बैक हो जाना। तो फ्रेंड्स ये इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बैक हो जाना। और देखो ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद देखो ये जो ग्रुप लेयर है, और टच करने के बाद देखो ये जो एडिट ग्रुप है, ये ग्रुप में फिर से आ जाना। और देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना। थ्री डॉट पर जाके जिस इफेक्ट को कॉपी किया, उस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करना होगा, बैक हो जाना। और बैक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग गया। तो अब क्या करना होगा, देखो ये जो बीट है, तो ये जो बीट है, ये बीट के हिसाब से आप लोगों को सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने से पहले फिर से एक बार बैक हो जाना। और देखो ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो ये जो हमारा जो नाम का जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा। और ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर टच करके इधर से आप लोग कॉपी लेयर कर लेना। और कॉपी लेयर करने के बाद बैक हो जाना एक बार, और फिर से और एक बार बैक हो जाना। और देखो ये जो सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में फिर से आ जाना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो बीट है, ये बीट में सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जिस लेयर को अभी कॉपी किया, उस लेयर को ये बीट में पेस्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर टच करके जो पेस्ट लेयर है, यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो जैसे पेस्ट करोगे, देखो कुछ इस तरह ऊपर में ये लेयर ऐड हो गया। तो ये लेयर को छोटा करना होगा, ये बीट के बराबर करना होगा। तो देखो ये जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा, टाइमर ऑप्शन पर टच करके इसको छोटा करना है। तो ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर टच कर देना, तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा, मोबाइल ट्रांसफर में चले जाना। और आप लोग जहाँ रखना चाहते हो वहाँ पर ये लेयर को नीचे सेट कर देना। तो देखो मैं यहाँ पर रखूँगा, तो यहाँ पर मैं सेट कर दिया हूँ। और सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना। और ये जो एडिट टेक्स है, देखो यहाँ पर डबल एडिट टेक्स यहाँ पर टच करना होगा। और ये जो हमारा नाम है, इसको पहले हटा देना, उसके बाद जो लिरिक्स है वो लिख लेना। तो मैं देखो ये मैं लिख दिया हूँ। लिखने के बाद देखो ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है, यहाँ पर एक बार टच करना होगा। देखो ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इधर से आप लोग डाउनलोड करके ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद देखो ये जो 40 PT है, यहाँ पर टच करके आप लोग इसका जो साइज है बढ़ा सकते हो और कमा भी सकते हो। तो मैं इतना रख देता हूँ। देखो उसके बाद देखो ये जो बॉक्स है, यहाँ पर टच करके आप लोग इसका जो कलर है वो चेंज करना, अगर चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं कलर नहीं चेंज करूँगा, यही कलर पर वीडियो बनाऊँगा। तो देखो मैं यहाँ पर दो बार टच करना होगा, तो मैं दो बार टच कर दिया हूँ। तो देखो कुछ इस तरह ये जो फर्स्ट लिरिक्स है वो ऐड हो गया। तो ऐसे करके आप लोग सेकंड जो लिरिक्स है वो लिख लेना। तो सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए करना होगा, फिर से ये लिरिक्स लेयर को टच करना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके फिर से दोबारा कॉपी लेयर कर लेना। और कॉपी करने के बाद फिर से अगला बीट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके फिर से पेस्ट लेयर कर देना। पेस्ट लेयर करने के बाद देखो ये जो बीट है, ये बीट तक ये लेयर आया नहीं, छोटा पड़ गया। तो क्या करना होगा, ये बीट में आ जाना और टाइमर ऑप्शन पर टच करके ये जो ऑप्शन है देखो यहाँ पर टच कर देना। तो ये जो बीट है, बीट के बराबर हो जाएगा ये लेयर। तो अब क्या कर, तो ये बीट में फिर से सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग को सबसे पहले प्ले करके सुन लेना। ये लंबी तो सॉन्ग को सुनने के बाद फिर से लेयर को टच करना होगा, डबल एडिट टेक्स्ट में चले जाना और इसको पहले हटा देना। और सेकेंड जो लाइन है वो फिर से यहाँ पर लिख लेना। तो देख सकते हो मैं सेकंड जो लाइन है वो लिख लिया हूँ, उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पर टिक कर देना। तो देखो ये जो सेकंड लाइन है वो कॉपी नहीं, देखो यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये जो बीट है, देखो ये बीट में सेम लिरिक्स है। तो ये लिरिक्स लेयर को फिर से कॉपी करके अगला जो बीट है, ये बीट में फिर से पेस्ट कर देना। तो आप लोग प्ले सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना, कहाँ कहाँ कौन लिरिक्स लिखना होगा। तो ये जो लिरिक्स है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उधर से आप लोग कॉपी करके नोटपैड ऐप में आप लोग पेस्ट कर लेना। तो ऐसे करके आप लोग सबसे पहले ये जो बीट है, ये बीट के अनुसार से आप लोग सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। और सॉन्ग लिरिक्स लिखना हो जाने के बाद तो फ्रेंड्स आप एक PNG फोटो को ऐड करेंगे। तो PNG फोटो ऐड करने के लिए देखो ये जो प्लस ऑप्शन है, यहाँ पर टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में चले जाना। और ये जो PNG फोटो है, ये PNG फोटो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और ये जो PNG फोटो है, ये PNG फोटो को ऐड कर लेना। PNG फोटो ऐड करने के बाद मूवमेंट ट्रांसफर में चले जाना, ये जूम ऑप्शन है यहाँ पर आके इस तरह करके छोटा कर लेना सबसे पहले। उसके बाद देखो जो फर्स्ट में जो ऑप्शन है, यहाँ पर टच करना होगा और
इस तरह करके आप लोग नीचे ले आना, जहाँ आप लोग रखना चाहते हो ये पीएनजी फोटो को, उधर आप लोग इसको सेट कर देना। तो देखो मैं यहाँ पर रखूँगा, तो यहाँ पर मैं सेट कर दिया हूँ। सेट करने के बाद और कुछ नहीं करना होगा, एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बिट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो कुछ इस तरह ये जो पीएनजी फोटो है वो ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप लोग वीडियो को बना लेना, और वीडियो बनाना हो जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।